वादा न तोड़ नियमितीकरण से जोड़ बीजेपी सरकार से अनुदेशों का ये कहना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने वादा तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है अनुदेश के शिक्षा मित्रों का। उन्होंने अपने रैली में, अपने भाषणों में कहा था कि हम अनुदेशकों का नियमितीकरण करेंगे, एक नहीं तीन तीन बार कहा था। पूरा समाचार दिखाएंगे, क्या क्या लुभाव ने सपने दिखा रही हैं अन्य पार्टियां। लेकिन एक छोटा सा निवेदन है, यहाँ पर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज का पूरा वीडियो। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का विशेष शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। साथियों, यहाँ पर एक समाचार दिखा रहे हैं हम, आप देख रहे हैं, जो अधिकार दिलाएगा अब वही प्रदेश चलाएगा, अधिकार दिलाओ रैली। दिनांक 3 अप्रैल 2016 को दिन रविवार का दिन था और झूलेलाल मैदान लखनऊ में ये कार्यक्रम हुआ था। इसकी पूरी रूपरेखा मैं आपको बताऊंगा क्या था ये कार्यक्रम। यहाँ पर अधिकार दिलाओ रैली में माननीय राजनाथ सिंह जी ने भरे मंच से सवा बीच कहा था कि हम अनुदेशकों को नियमित करने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी। अनुदेशकों ने उनकी बात को दिल से लगाया, दिलों और दिमाग से सोच के बीजेपी को वोट दिया और उनकी सरकार बनाई। इसके साथ ही बना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था अपनी रैलियों में कि हम आएंगे तो नियमितीकरण, लेकिन आज सरकार बने हुए पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, आगामी चुनाव 2000 में होने वाले भी हैं, लेकिन आश्वासन आश्वासन ही रह गया। आज तक इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। मांग अगर पूरी की गई तो सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये दिखाकर लॉलीपॉप दिखाया गया है 2000 रुपये के रूप में, जो कि अति शर्मनाक है और बहुत ही दुखद है। शायद अनुदेशक पहले वो इंसान होंगे, पहले वो संविदाकर्मी होंगे जिनके साथ ये गैरकानूनी काम किया गया है, जिसको माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है और फटकार लगाई है, अनुदेशकों का मानदेय कम करना गैरकानूनी है। जब बीजेपी सरकार ने रिकवरी की थी अनुदेशकों की 8470 से घटाकर 7000 पर ला दिया था साथियों, और कई महीनों तक मानदेय नहीं दिया था, छटपटाते बेचारे ये राष्ट्र निर्माता शिक्षक अनुदेशक हाथ मलते रह गए। सोच लिया, शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो दोस्तों अच्छे भी आएंगे। अनुदेशकों ने ये सोचकर दिल पर पत्थर रख लिया और वक्त आने का इंतज़ार किया। साथियों, आज वक्त आ गया है, सारे अनुदेशक अब पूरी तरीके से अपने अभियान से जुड़ चुके हैं, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो या फिर डिबेट, लगातार वो अपनी बात को सरकार तक रख रहे हैं और उनके 2000 बढ़ाए हुए मानदेय पर असहमति व्यक्त कर रहे हैं लगातार। यहाँ पर बताना चाहेंगे, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के पक्ष में एक बड़ा बयान दिया है, संविदा कर्मियों के पक्ष में, संविदा कर्मियों से वरुण बोले, भीख मांगने से नहीं मिलते अधिकार, शक्ति दिखाएं। बिल्कुल सही कहा है, अब हमें अपनी शक्ति दिखानी होगी। अनुदेशक, शिक्षा मित्र और आंगनवाड़ी जितने भी तमाम संविदा कर्मी हैं, उन सबको एक साथ एक मंच पे आकर सरकार के खिलाफ, उनकी अनैतिक इन कार्यों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी, तभी आपका भला होगा, जागना होगा, जाग जाओ। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए जीभ ही काफ़ी है साथ साथ। अब तलवे चाटने से काम नहीं होगा, अपनी बात को बुलंद करना होगा। सम्मानजनक मानदेय के साथ नियमितीकरण पर अड़े अनुदेशक, दैनिक जागरण ने उन्नाव से जगह दी है साथियों। यहाँ पर पूरा समाचार आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। इस समाचार में कहा है, मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानजनक मानदेय के घोषणा पर अनुदेशक संघ ने शुक्रवार को एक ज्ञापन देकर इससे 1 रुपया भी कम होने पर विरोध जताने की बात कही। साथियों, हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, केएल भास्कर जी ने अपनी पेंटिंग के द्वारा आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। शिक्षक और अनुदेशक के बीच में जो अंतर है उसको दिखाया गया है। इनको सिर्फ
7000 मानदी और 10 CL मिलती हैं पूरे सत्र में कह सकते हैं, लेकिन वहीं पर एक ही छत के नीचे शिक्षक को वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अनुशिक्षकों को क्यों नहीं? साथियों, यही सवाल बना हुआ है, समान कार्य समान वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है, कोर्ट के आदेश क्यों नहीं माना जा रहा है, अनुशिक्षकों का नियमितीकरण कब? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में इनकी तनख्वाह तय की गई थी 17000 रुपये, लेकिन आज तक एक रुपये भी नहीं बढ़ाया गया। बढ़ाया भी गया तो कह सकते हैं 2000 रुपये सिर्फ लॉलीपॉप बोला है, लेकिन बड़ा नहीं है। ऐसी बात अनुदेशों में चल रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। आर्थिक संकट से जूझते हुए अनुदेशक परेशान हैं, हताश हैं और अवसाद की जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि माननीय हाई कोर्ट की दोनों बेंच से इनका मामला क्लियर हो चुका है और इनको आदेशित किया गया है सरकार को, कोर्ट द्वारा, कि आप 2017 से अब तक 9% ब्याज के इनका मानदेय जारी करें, जिसके लिए अवमानना का नोटिस भी सरकार पर जारी हुआ। लेकिन सरकार की कान पर जून तक नहीं रेंगी है। उत्तर प्रदेश शिक्षक परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सभी अनुदेशकों को स्थायी शिक्षक बनाया जाए, ये मांग है सिर्फ और सिर्फ अनुदेशकों की, इसके अलावा और कोई मांग नहीं है इनकी, क्योंकि उनका कहना है 17000 में दम नहीं और नियमितीकरण से कम नहीं। सही भी कहना है उनका, हक बनता है उनका। 9 साल से लगातार निस्वार्थ भाव से, तन मन और धन से, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर, सौ किलोमीटर दूर जाते हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, नौनिहालों को निखारने का, देश के भविष्य को बनाने का काम ये अनुदेशक कर रहे हैं। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और समाचार के साथ। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी बात सरकार मान जाए। जय हिंद, जय भारत।